हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है फरीदाबाद से, उसकी तरफ रुख कर लेते हैं। इस वक्त फरीदाबाद से बड़ी खबर आ रही है, यहाँ टिकट कटने पर ललित नागर का बयान आया है। समय पर पता चलेगा किसकी साजिश पर बदली गई टिकट, कांग्रेस के निर्णय से कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है, ये नागर ने कहा है। टिकट कटने पर ललित नागर के समर्थकों में भी नाराजगी है, मैं बचपन से कांग्रेस से जुड़ा रहा हूँ, ये नागर ने कहा है। तो नाराजगी नजर आ रही है ललित नागर की, और उन्होंने साफ कहा है कि समय पर पता चलेगा किसकी साजिश पर यह टिकट बदली गई। आपको बता दें कि ललित नागर को पहले घोषित कर दिया गया था कांग्रेस का उम्मीदवार फरीदाबाद से, और उसके बाद आखिर समय पर टिकट बदलकर अवतार सिंह भड़ाना को दे दी गई। उसके बाद ललित नागर का बयान आया है कि मैं बचपन से ही कांग्रेस में रहा हूँ, और फरीदाबाद से टिकट कटने पर ललित नागर ने ये बयान दिया है। व्यथित और दुखी नजर आ रहे हैं ललित नागर, समय पर पता चलेगा किसकी साजिश पर ये टिकट बदली गई। बचपन से ही कांग्रेस से जुड़ा रहा हूं, ये ललित नागर ने कहा है। आप याद करिए, टिकट की घोषणा के बाद ललित नागर हमारे साथ जुड़े थे। सबसे पहले हरियाणा न्यूज के जरिए ही उन्होंने कहा कि उनको यह पता चला है कि उनको टिकट दे दी गई है फरीदाबाद से। रेस में हालांकि करण दलाल भी थे, अवतार भड़ाना भी थे, कुछ और लोगों के नाम भी चल रहे थे, ललित नागर को तरजीह दी गई, ललित नागर को टिकट दिया गया, और उसके बाद आखिरी मोमेंट पर टिकट बदलकर अवतार सिंह भड़ाना को देने की घोषणा कर दी गई। अवतार सिंह भड़ाना बीजेपी के विधायक थे यूपी से, और वहां से छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, और वो लगातार कह रहे थे कि वो फरीदाबाद से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में ललित नागर को टिकट मिली, और उसके बाद अब आखिरी मोमेंट पर, आखिरी समय पर ललित नागर का टिकट दोबारा काट कर अवतार सिंह भड़ाना को टिकट दे दी गई है।